नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान में फर्स्ट T20 खेला जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में ड्रीम 11 प्रेडिक्शन बताने वाला हूं कि कौन सा प्लेयर आपको अपने ग्रीन लीग टीम में लेकर जा सकते हैं, कौन सा प्लेयर स्मॉल लीग पिच के हिसाब से आपको कप्तान एंड उप कप्तान किसको बनाना चाहिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप ड्रीम 11 में सही में चेंजर होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बल्लेबाजों को सपोर्ट मिलता है या आपको गेंदबाजों को सपोर्ट मिलता है, उससे पहले आप मेरी विनिंग प्रूफ देखते। जब मैं वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था तो मैंने दूसरा ही मैच मैंने विनिंग किया था। अगर आप देखेंगे तो मैंने पाकिस्तान और नेदरलैंड के बीच में मैंने 8वां रैंक लाया था और मेरा आप ड्रीम 11 चेंजर बन सकते। तो दोस्तों उस दिन मैं ट्रिक को क्या यूज किया था और मैं क्या ट्रिक को लगाया था तब मैं जाकर ड्रीम 11 चेंजर बना था। आज मैं वह वीडियो बताने वाला हूं। अगर ऐसा इंडिया का कौन सा बैटर होगा जो आज 100+ मारेगा, यानी ड्रीम 11 में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिलाएगा, यानी अफगानिस्तान का ऐसा कौन सा प्लेयर होगा जो आज 5 विकेट लेने वाला है। तो सबसे पहले बात करता हूं वेन्यू, तो आपको पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन जो आपको मोहाली में खेला जाएगा, अगर इसका डेट देखा जाए तो 11 जनवरी 2023 को खेला जाएगा। फर्स्ट T20 होने वाला, टाइम आपका 7 बजकर होने वाला है। अब चलिए बात करता हूं कि अगर पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का देखा जाए तो किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है, तो अगर देखेंगे इंडिया 3 मैचेस विन किए और इसको 2 मैचेस लॉस मिली है। 5 मैचों को मैं आपको रिसेंटली परफॉर्मेंस बता रहा हूं। अगर अफगानिस्तान के देखेंगे तो 2 मैचेस ये भी विन किया है और इसको 2 मैचेस लॉस मिली है, बट 1 मैचों का इसका रिजल्ट नहीं मिल पाया जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में खेला गया था। अगर इस पिच में देखा जाए तो मोहाली का तो सबसे ज्यादा बैटिंग को सपोर्ट मिलता और इस पिच में आपको अपनी टीम में फास्ट बॉलर लेकर जाना है, क्योंकि अगर देखेंगे तो फास्ट बॉलर 38 विकेट लिया है और स्पिनर अभी तक 10 विकेट लिया है, जिसमें से टोटल विकेट देखा जाए तो 48 विकेट में 38 विकेट स्पिनर फास्ट लिया है और 10 विकेट स्पिनर लिया है, यानी आपको इसमें समझ आता क्या है। तो अगर आप इस पिच में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपको बैट्समैन को सपोर्ट मिलेगा। अब चलिए बात करता हूं कि अगर टोटल मैचेस देखा जाए तो टोटल मैचेस 9 खेला गया, जिसमें से फर्स्ट अगर स्कोर देखा जाए तो 168 स्कोर जाने वाला, अगर सेकंड इनिंग का स्कोर देखेंगे तो 152 स्कोर जाने वाले, लेकिन सबसे हाईएस्ट स्कोर देखा जाए तो 214 पर 4 विकेट गए, लेकिन लोवेस्ट स्कोर देखा जाए तो 114 पर 8 विकेट गए। अब चलिए बात करता हूं कि अगर पंजाब का क्रिकेट का एसोसिएशन जो मोहाली का पिच होने वाला है, इसका एरिया कितना जाने वाला, पिच ग्राउंड कितना एरिया होने वाला, तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो आपको स्टेट साइड में जो होने वाला है 70 मीटर का होने वाला है। अगर उसके बगल में देखेंगे तो आपको 67 मीटर का होने वाला है। अगर आप लेग साइड में देखेंगे तो 60 मीटर का होना है। अगर दोनों पीछे देखेंगे तो 54 मीटर का होने वाला है, लेकिन अगर शॉर्ट में देखेंगे तो 67 मीटर का होने वाला है। अगर आप ऑफ साइड में देखेंगे तो 60 मीटर का होने वाला है, यानी इस कंपेरिजन में देखा जाए तो ज्यादा लंबी बाउंड्री नहीं है, अच्छे खासे आपको बैटमैन से देखने को मिलेगा बैटिंग करते हुए। अब यहां से बात करता हूं कि अगर इंडिया को देखेंगे, पहले इंडिया बैटिंग की तो 20 ओवर में 212 रन बनाई थी, लेकिन अफगानिस्तान इसको 111 रन पर नहीं चेस कर पाया था। लेकिन अगर वही दूसरा मैचेस देखेंगे तो इंडिया फिर 210 रन बनाई थी, लेकिन अफगानिस्तान भी इसको चेस नहीं कर पाया था। लेकिन अगर वही देखेंगे फिर इंडिया बैटिंग की तो अफगानिस्तान इसको चेस नहीं कर पाया था, लेकिन अगर वही देखेंगे पहले अगर देखेंगे इंडिया फिर बैटिंग की तो इसको अफगानिस्तान इसको चेस नहीं कर पाया था। लेकिन अगर देखा जाए तो चारों मैचेस इंडिया विन किए, यानी अफगानिस्तान इसको कोई भी मैचेस चेस नहीं कर पाया। अब चलिए बात करता हूं कि इस पिच में देखा जाए तो किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, कौन सा ऐसा बैटर होगा जो आज 100 रन मारेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप मेरी विनिंग प्रूफ देख सकते हैं। तो अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो आप ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सबसे यूनिक और सबसे अलग तरीका से टीम दिया जाता है। अब चलिए बात करता हूं कि इंडिया का बेस्ट प्लेइंग नंबर कौन सा होने वाला है, कौन सा ऐसा बैटर होगा जो आज 100+ मारने वाला है, लास्ट के मोमेंट में आपको शेयर करने वाला हूं। उससे पहले अगर देखा जाए प्लेइंग 11 तो पहले नंबर पर रोहित शर्मा देखने को मिलेगा जो आपको कैप्टन का काम करेंगे, दूसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल, इसलिए दोस्तों आपको विराट कोहली नहीं देखने को मिलेगा, सुमन गिल थर्ड नंबर पर आएंगे, चौथे नंबर पर तिलक वर्मा, पांचवें नंबर पर संजू सैमसन, छठे नंबर पर रिंकू सिंह, सातवें नंबर पर अक्षर पटेल, आठवें नंबर पर कुलदीप यादव, नौवें नंबर पर अर्दजीत सिंह, दसवें नंबर पर मुकेश कुमार, 11 नंबर पर आपको आवेश खान होने वाले। लेकिन अगर वही देखेंगे अफगानिस्तान का प्लेयर तो पहले नंबर पर इब्राहिम जार्दन होने वाले, दूसरे नंबर पर देखेंगे तो रहमतुल्ला गुरबा, तीसरे नंबर पर रहमतुल्ला जरजाई देखने को मिलेगा, चौथे नंबर पर रहमत सात, पांचवें नंबर पर नजीबुद्दीन जार्दन, छठवें नंबर मोहम्मद नवी, आठवें सातवें नंबर पर मोहम्मद उमराई देखने को मिलेगा, आठवें नंबर नूर अहमद, नौवें नंबर पर नवीन उल हक,
के देखने को मिलेगा। उसके बाद 10वें नंबर मुजीबुर रहमान, 11वें नंबर पर आपको फजल फारूकी देखने को मिलेगा। अब यहां से देखा जाए, इसमें मैं आपको एक ग्रीन लीग देने वाला हूं, जिसमें अगर दोस्तों देखा जाए तो मैंने विकेट कीपर में आर गुरुबाज को ले रखा है, लेकिन अगर बैटर में देखेंगे तो मैंने तीनों को बैटर ले रखा है। पहला रोहित शर्मा, सुमन गिल, एसएसवी जायसवाल को ले रखा है। अफगानिस्तान का मैंने कोई बैटर नहीं ले रखा है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो आपको इस तरह से टीम बना के जाना है। अगर पहले अफगानिस्तान बैटिंग करती है तो आपको करना क्या है, आपको बॉलर का इंडिया में सभी लेकर जाना है। तो अगर बॉलर में देखेंगे तो मैंने अर्शदीप सिंह और नवीन उलूकर और कुलदीप यादव को ले रखा है, लेकिन अगर बॉलर में देखेंगे तो मैंने रवि बिश्नोई को ले रखा है। अगर ऑलराउंडर में देखेंगे तो मैंने ए ओमराई, अक्षर पटेल और एम नमी को ले रखा है। अब चलिए दोस्तों बात करता हूं सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आज का कौन सा बैटर होगा जो आज 100+ मारने वाला है। तो सबसे पहला अगर टारगेट देखा जाए तो रोहित शर्मा, उसके बाद आपको सुमन गिल, इन दोनों को आपको हो सकता है इस बार 50+ मारने वाले, इसलिए इनको अपने टीम में लेकर जाना है। लेकिन अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, अगर पहले 5 विकेट नहीं गिरता है तो आपको रिंकू सिंह और उसके बाद आपको संजू सैमसन अच्छा प्लेयर नहीं होने वाले। अगर विकेट गिरता है तो आपको सबसे ज्यादा संजू सैमसन और रिंकू सिंह आपको मिडिल ऑर्डर में बैटमैन समाने वाले। लेकिन बॉलर में बात करूं कौन आज 5 विकेट लेने वाला है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अर्शदीप सिंह, उसके बाद आपको कुलदीप यादव और आपको सबसे ज्यादा मुकेश खान और आवेश खान होने वाले। यही आपको 4 बैटर बॉलर होंगे जो आपको 5 विकेट निकालने वाले। लेकिन अफगानिस्तान के देखा जाए कौन सा ऐसा बैटर होगा जो आज सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, कौन सा ऐसा बैटर होगा जो आज 50+ मारने वाला है, यानी सबसे पहले अगर देखा जाए तो रहमतुल्लाह गुरबाज सबसे इंपोर्टेंट आपके टीम में होने वाले। अब उसके बाद देखा जाए तो रहमतुल्लाह अरजाई होने वाले, जो सबसे ज्यादा आपको ऑलराउंडर में काम करेंगे, बॉलिंग से बैटर से अच्छा परफॉर्मेंस करके दिलाएंगे। उसके बाद आपको रहमत साग, यही तीनों आपको बैटमैन इस बार आपको ड्रीम इलेवन चेंजर बनाने वाले, यानी आपको 50+ मारने वाले। अब चलिए बात करता हूं बॉलर में, तो बॉलर में आपको सबसे पहले ध्यान देना, आपको नूर अहमद सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले, ट्रंप प्लेयर यही होने वाले। उसके बाद आपको नवीन उल हक, उसके बाद फजल फारूकी होने वाले, यही आपको सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले। और आपको ऑलराउंडर में ए ओमराइजेशन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इसमें कोई भी चेंजेज होता है, अगर कोई नहीं करता है तो सबसे पहले आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, वहां पर आपको फाइनल टीम देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।